हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब बादशाह औरंगजेब ने तोड़ने का इरादा किया अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब की दरगाह को, जब बादशाह औरंगजेब ने तोड़ने का इरादा किया बादशाह औरंगजेब को बलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद लोगों को मज़ारों में ज़िंदा किया जाता है। अपने इसी बहम को दूर करने के लिए एक रोज़ गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ आ गए। अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने कहा, मान लेता हूँ गरीब नवाज अल्लाह के बली है, मगर मैं जब तक उनको सलाम पेश करूँगा मुझे मजार में से आवाज़ आनी चाहिए, मेरे को मेरे सलामी का जवाब मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बली है, मगर मैं तब मानूंगा, मैं वहाँ जाकर मजार में सलामी पेश करूँगा और मुझे जवाब मिलना चाहिए, उसका उत्तर मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। इसी प्रकार बादशाह औरंगजेब ने मजार के अंदर गए तो मजार के पास एक आदमी बैठा था, अधगढ़ उम्र का एक आदमी बैठा था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स क्या मामला है, तू यहाँ पर क्यों बैठा है और क्यों परेशान है? तो उस शख्स ने फरमाया कि मैं आँख से नहीं देख पाता हूँ, मेरी आँखों की रोशनी नहीं है, मेरी आँखों की रोशनी के लिए मैं यहाँ दुआ कर रहा हूँ, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, काफ़ी अरसे से दुआ करता हूँ, मेरी रोशनी मुझे नहीं मिल रही है लेकिन आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा, मैं मजार में सलामी पेश करने जा रहा हूँ, मैं तेरी आँखों की रोशनी के लिए दुआ करूँगा, अगर मैं तेरी आँखों की रोशनी की दुआ करने जा रहा हूँ और अगर मैं वापस आऊँ तब तक तेरी आँखों की रोशनी वापस नहीं आई तो मेरी तलवार से तेरी गर्दन अलग कर दूँगा। इतना सुनकर वो शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया। वो अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो आँखों पर ही बनी थी, अब तो गर्दन पर भी बन आई। परेशान होकर वो शख्स रो रो कर दुआ मांगने लगा। आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, नोटिस कर लेना, रोज़ ये शख्स दुआ करता था लेकिन उस तरीके से दुआ नहीं करता था जिस तरीके से सभी लोग दुआ मांगते हैं दुआ करते हैं। इतने में बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए थे और सलामी पेश किए, बादशाह को कोई जवाब नहीं मिला। एक बार बादशाह औरंगजेब ने सलामी पेश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह ने दूसरी बार सलामी पेश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। बादशाह औरंगजेब ने तीसरी बार सलाम पेश किया, अस्सलाम वालेकुम, तो मजार के अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम, फिर मजार से आवाज़ आ गई। बादशाह औरंगजेब ने जब तीसरी बार सलामी पेश की तब उनको मजार के अंदर से आवाज़ आ गई, उन्हें उनकी सलामी का जवाब मिल गया। तो ख्वाजा साहब बोलते हैं कि तुम्हारी जिद के वजह से मैं अंधे आदमी की आँखों की रोशनी लेने के लिए अरसे अल्लाह पर गया था, इसलिए मेरे को तुम्हारे जवाब देने में काफ़ी समय लग गया। घटना के बाद औरंगजेब अल्लाह का एक बहुत बड़ा बली बन गया। उसको विश्वास हो गया कि मजारों में से जो भी दुआ होती है वो कबूल होती है और जो भी अपन मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताया गया है कि जो ख्वाजा साहब की दरगाह को तोड़ने गया था वो खुद अल्लाह का बली बन गया, ख्वाजा साहब का अल्लाह का बली बन गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी करामत हुई है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ऑन जरूर करना, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर आप बेल आइकन का बटन ऑन कर लोगे तो कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर अजमेर शरीफ दरगाह के सभी वीडियो मिलेंगे और अजमेर शरीफ से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी, जैसे अजमेर शरीफ अगर आओ तो आप कहाँ रुकोगे, सस्ता होटल और यहाँ पे क्या क्या देखने लायक है, कौन कौन सी दरगाह है, सभी के वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये अभी जो है अभी दरगाह के अंदर का नज़ारा है, पूरा काफ़ी शानदार नज़ारा है। दोस्तों, अगला वीडियो आपको अजमेर शरीफ से रिलेटेड कहाँ का चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।